हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी क्रिएशन। आज हम इस तरह का स्लीव डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने हाफ स्लीव को कट कर लिया है। जितनी भी हमारी लंबाई है उसे 3.5 इंची कपड़ा कम लेंगे, जिसमें हमारा डिज़ाइन आएगा। इसकी चौड़ाई 18 इंच है, या 18 से थोड़ी ज़्यादा है, उतने ही साइज़ का हम एक पेपर कट कर लेंगे। पेपर की लंबाई हमने 3.5 इंच रखी है। इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। एक साइड से ये 1.5 इंच है और एक साइड से 2.5 इंच है। आप इसे अपनी अकॉर्डिंग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसे हम फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी इसका फोल्ड साइड ले लिया है। अब हमें इसका सेंटर मिल गया है। इसे फोल्ड करेंगे और जहाँ से हमारा सेंटर आ रहा है वहीं से हम इसे गोलाई में लेते जाएंगे और पत्ती की तरह शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको खोलने पर ये पत्ती की शेप में आ गया है। इसी से हम अपने पेपर पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले इसका हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे ताकि जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेंटर में आए। अब दूसरी साइड भी इसे हम फोल्ड कर लेंगे। इससे हमारी जो एक पत्ती बनेगी वो बिल्कुल सेंटर में बनेगी। अब जो हमने सेंटर पॉइंट लिया है इसी के बिल्कुल बीच में रखकर हम इस पत्ती को ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से हम और भी पत्तियां ड्रॉ करते जाएंगे और हल्का सा पत्ती के ऊपर पत्ती को चढ़ा लेंगे। पत्ती के अलावा आप कोई और शेप भी इसमें बना सकते हैं। इसी तरह से एक के ऊपर हल्का सा टच करते हुए हम ये सभी पत्तियां ड्रॉ कर लेते हैं। पेपर की दूसरी साइड भी मैंने पत्तियां ड्रॉ कर ली हैं। अब हम इसके ऊपर नेट का फैब्रिक लगाएंगे। इस वाले नेट के फैब्रिक में हल्की सी शाइन है, ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी जगह आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी ले सकते हैं या फिर कोई और नेट भी ले सकते हैं जिसमें हल्की सी शाइन हो। आपको इस तरह का कपड़ा लेना है कि जो ट्रांसपेरेंट हो और हमारा डिज़ाइन नीचे से दिखाई दे। इस तरह के कपड़े पर बना हुआ डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। अब हमारा डिज़ाइन नीचे से दिखाई दे रहा है तो मैंने ये डोरी ली है। ये नॉर्मल डोरी है, किसी भी स्टिचिंग मटेरियल वाली दुकान पर ये आपको आराम से मिल जाएगी। इस पर रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। ये डोरी खुद ब खुद ही मुड़ती जाएगी, बस हमें कपड़े को थोड़ा थोड़ा सा घुमाते जाना है जिस शेप में हमारा डिज़ाइन बना हुआ है। जब तक हम ये डोरी लगाते हैं तब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। इस तरह से हम दोनों साइड इसे लगा लेंगे। पूरे नेट पर हमने ये डिज़ाइन तैयार कर लिया है। अभी इसे एक तरफ रख देंगे और बुकरम की हमने 1 इंची चौड़ी पट्टी को कट कर लिया है और स्लीव कैसे कपड़े पर हमने इसे पेस्ट कर लिया है। पट्टी के एक साइड हमने थोड़ा मार्जिन रखा है और दूसरी तरफ इतना ही कपड़ा रखा है जितना बुकरम और मार्जिन को मिलाकर है। देखिए इस तरह से हमारी ये पट्टी है। इसे हम डिज़ाइन पर एक तरफ सेट कर लेंगे और दूसरी तरफ लाकर हम इसे इस तरह से मोड़ देंगे। हमारा ये फ्रंट साइड इस तरह से आएगा। मैंने डिज़ाइन पर यह पट्टी अटैच कर ली है। अब जो हमारा स्लीव वाला कपड़ा है इसे भी हम बराबर मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने स्लीव को भी जोड़ लिया है। अब हम पीछे से इसका पेपर निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। मैंने इसका पूरा पेपर भी निकाल दिया है। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। आप इसे किसी भी स्टोन वगैरह से डेकोरेट भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव भी तैयार कर ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।